विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मन प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें श्लोक संख्या 64 तक हमने विचार किया। भगवान यहाँ पर विगत कुछ सूत्रों से विषयों के चिंतन करने वाले व्यक्ति की दुर्दशा बताई कि जो बारंबार विषयों का ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसका अंततः विनाश हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भयंकर दुख की प्राप्ति होती है। यही नाश का तात्पर्य यहाँ पर, आत्मा को तो नाश होता नहीं, तो नाश का तात्पर्य यहाँ पर भयंकर दुख से है कि भयंकर दुख की योनि में, गर्त में चला जाएगा, फिर वहां से उबरना निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो विषयों का ध्यान करता हुआ व्यक्ति अंततः नाश को प्राप्त होता है क्रोध पूर्वक, तो फिर किस प्रकार से कर्मयोगी कर्म करते हुए विषयों का सेवन करे, उसका व्यवहार किस प्रकार हो, उसके लिए भगवान ने कहा श्लोक संख्या 64 में, रागद्वेषभयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। कहने भगवान की जिन्होंने अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला जो व्यक्ति है, वह अपने वश में की हुई इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, और राग द्वेष से हट करके, राग द्वेष से विमुक्त होकर के, रहित होकर के, इंद्रियैः विषयान् चरन्, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। कहने का तात्पर्य है कि अंतःकरण को वश में करके, मन को भगवान में लगा करके, अंतःकरण का वश का तात्पर्य है कि मन को भगवान में लगाना। मन को विषयों में लगाने से अंतःकरण मलिन होता है, और उस मलिन अंतःकरण से जो है बार बार विषय सेवन होता है, विषय स्मरण होता है, फिर उस विषय में प्रवृत्ति होती है, फिर वासना तैयार होती है, फिर वासना से विषय सेवन, विषय सेवन से वासना, ये क्रम चलता रहता है, और फिर वो वासना है और गहरी होती चली जाती है, फिर व्यक्ति को उबरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो राग द्वेष रहित कब व्यक्ति होगा, जब अंतःकरण में भगवान को बसाएगा, हृदय में भगवान को बसा करके जब रखेगा बारंबार, तब हृदय पवित्र होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। और उस पवित्र अंतःकरण से, यानी कि मन को बस में करके, तब इंद्रियों के माध्यम से जो विषय सेवन करता है, तो वो प्रसादम अधिगच्छति, वो निर्मलता को प्राप्त होता है, वो अंतःकरण की पवित्रता को प्राप्त होता है, और पवित्र अंतःकरण में ही परमात्मा का प्रकाश होता है। इसलिए मन में भगवान को बसा करके, इंद्रियों को संसार में लगाने से, फिर वो जो है विषय उसको बाधित नहीं करते। ऊपर से दिखेगा कि ये व्यक्ति वैसे ही व्यवहार करता है जैसे समान व्यक्ति व्यवहार करते हैं, वो भी उसी प्रकार से रुचि रखेगा, अन्य समान व्यक्तियों की भांति वो भी भोजन करेगा, वो भी दृश्य देखेगा, वो सब रूप रस गंध स्पर्श का सेवन वो भी करेगा जो सात्विक रूप रस गंध स्पर्श है, लेकिन ऊपर से देखने में लोग को तो ही लगेगा ये तो हमारे जैसा ही व्यक्ति है, परंतु आंतरिक दृष्टिकोण से
वो मन से संसार से जुड़ा नहीं है, मन से भगवान से जुड़ा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर के और फिर इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है तो उसका अंतःकरण निरंतर दिनों दिन प्रसन्न हो जाता है, यानी कि स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है और अंतःकरण की पवित्रता को प्राप्त करता है। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो उसका क्या फल है? तो भगवान कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेत सहिवासु बुद्धि परिवतिष्ठते। करें जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, उसके सारे वासनाएं, सारे राग द्वेष सब खत्म हो जाते हैं, तो उसका फल होता है अस्य सर्व दुखानां हानि, उस साधक के, उस कर्म योगी के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। समस्त दुख कौन कौन से? तीन प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तो ये तीनों प्रकार के दुखों की हानि हो जाती है इस अंतःकरण पवित्र साधक के। और प्रसन्न चेत सह यह आशुर बुद्धि परिवर्तिष्ठते, और ऐसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति वाला जिसका प्रसन्न चित्त हो गया, यानी कि चित्त निर्मल हो गया, चित्त जिसका निर्मल होता है वास्तव में वही प्रसन्न हो सकता है। ये चित्त की प्रसन्नता के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। यदि व्यक्ति हंसता हुआ, बालक की तरह हंसता हुआ बराबर दिखता है तो समझिए उसका चित्त प्रसन्न है, चित्त साफ है, उसका अंतःकरण पवित्र है। राग द्वेष युक्त व्यक्ति का चित्त जो है निर्मल न होने के कारण उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखती, मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं दिखता। और जिसका अंतःकरण पवित्र है वो प्रसन्न बदन होगा, हंसकर बात करेगा, किसी से मिलेगा तो हंसकर बात करेगा, उसके चेहरे पर प्रसन्नता। इसलिए ऐसे प्रसन्न चित्त वाला जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि शीघ्र ही भगवान में लग जाती है। तो प्रसन्न चेतस याशु बुद्धि वतिष्ठ, आशु मतलब शीघ्र ही बुद्धि उसकी भगवान में लग जाती है। और जिसका चित्त निर्मल नहीं है तो कहते हैं कि न मलिन चेतस उपदेश बीज पर रोह अजबत, कि मलिन चित्त में उपदेश रूपी बीज अंकुरित नहीं होता। मलिन चित्त का मतलब अत्यंत राग है, अत्यंत द्वेष है, अत्यंत लोभ है, तो काम क्रोध लोभ इत्यादि अत्यंत, एक तो होता है कि सामान्य तो सबका चित्त होता ही है, सामान्य रूप से राग द्वेष तो सबके होते हैं, सब में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंदर राग द्वेष न हो। यदि राग द्वेष न हो तो महर्षि गौतम न्याय शास्त्र में कहते हैं कि वीत राग जन्मा दर्शनात्, यदि वीत राग हो जाता है व्यक्ति तो फिर जन्म ही क्यों लेता। तो जन्म हमने लिया है, मनुष्य शरीर धारण किया, इसका मतलब राग है। तो एक होता है कि सामान्य राग होना, एक होता है अत्यंत राग होना, अत्यंत कामी, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत लोभी, उन व्यक्ति के चित्त में तो ये उपदेश रूपी बीज अंकुरित नहीं हो पाता, ऐसा महर्षि अवस्था को कितना भी समझाइए, कितना भी सत्संग करिए, कुछ होने वाला नहीं। तो सामान्य राग हो तो उसको दबा करके प्रयत्न पूर्वक उपदेश रूपी बीज अंकुरित हो सकता है, फिर वो जो है वृक्ष रूप भी लेगा, पल्लवित पुष्पित भी होगा, तो उसके अंदर वो फलीभूत भी होगा। परंतु अत्यंत, जैसे ऊसर भूमि में बीज अंकुरित नहीं होता, ऐसे अत्यंत रागासक्त, अत्यंत लोभासक्त, अत्यंत क्रोधासक्त व्यक्ति के चित्त में भी उपदेश रूपी बीज नहीं हो सकता अंकुरित। तो सामान्य रूप से है तभी तो ये सब उपक्रम बताए गए हैं, अथवा राग द्वेष ही ना हो तो राग द्वेष को नष्ट करने के उपाय कहां बताए जाएंगे। इसलिए जो साधक होता है वो अपने राग द्वेष मिटाने के लिए ही तो कर्मयोग का आलंबन लेता है, या कोई भी साधन का आलंबन क्यों लेता है, वो रोगी है, यानी कि राग द्वेष रूपी रोग लगा हुआ है। एक सबसे बड़ा रोग तो कहते हैं भवरोग लगा हुआ है सबको, सबसे बड़ा रोग है भवरोग, यानी कि जन्म मरण का चक्कर जो है ये सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि यही मूल रोग है और यहीं से सारे लोग रोग उत्पन्न होते हैं। अब सोचिए कि जन्म ही नहीं होता तो जितने भी दुख होते हैं सारे होते, शरीर से संबंधित, मन से संबंधित, कोई भी दुख नहीं होता। तो शरीर के होने से ही सारे दुख होते हैं और शरीर के न होने से सारे दुख नहीं होते, तो क्या करें? शरीर को हटा लें, कैसे हटेगा? आत्महत्या करके हटा लें तो करेंगे फिर हो जाएगा, और आत्महत्या भी एक जघन्य पाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैसे हटेगा? तो कहते हैं कि इसके लिए तो एकमात्र तत्व ज्ञान है, एकमात्र विवेक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, भगवत साक्षात्कार है, उसके अतिरिक्त और ये छूट ही नहीं सकता। इसलिए वो छुड़ाने के लिए, वो जब प्राप्त हो जाएगा तो सारे सारे दुखों की हानि हो जाएगी। कहने का मतलब यहां पर ये है कि अंतःकरण पवित्र होगा
एक तो होता है पूर्णतः कर्ण पवित्र होना, और एक होता अपेक्षाकृत अंतःकरण पवित्र। जैसे पहले की अपेक्षा जब हमने साधना शुरू की, कर्म योग का आलंबन किया और भगवत भाव से कर्म करना प्रारंभ किया, भगवान को हृदय में बसा करके और शरीर से और इंद्रियों से जगत के काम करते हुए जब हमने शुरू किया, तब हमने देखा कि पूर्व की अपेक्षा हमारी कामनाओं में गिरावट आई। पूर्व में जितना राग था अब वो राग कम हो गया, परंतु खत्म नहीं होगा। क्रिया योग से कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने भी कहा कि क्रिया योग से ये राग खत्म नहीं होते, तनु हो जाते, कमजोर हो जाते, क्षीण हो जाते, यानी कि अब ऐसा हो जाता है जैसे न के बराबर, लेकिन खत्म नहीं हो जाते। आलंबन पाकर के वही कालांतर में फिर प्रकट भी हो सकते हैं। इसलिए साधकों को भी देखा गया है कि कई बार आलंबन पाकर के उनकी वासनाएं फिर जागृत हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रह्म प्राप्त नहीं किया था। ब्रह्म प्राप्त न करने के कारण वो जो रस बना हुआ था, जो पूर्व में भगवान ने कहा कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि निराहार करने से तो इंद्रियां विषयों के सेवन करने में शिथिल हो जाती है, परंतु रस बना रहता है, आसक्ति बनी रहती है। तो कहने का मतलब क्षीण तो हो जाता है, क्लेश क्षीण तो हो जाते हैं, लेकिन दग्ध बीज नहीं होते, नष्ट नहीं होते। तो नष्ट कैसे होंगे? तो कहते हो भगवत साक्षात्कार से नष्ट। तो भगवत साक्षात्कार जब होगा तो सारे क्लेश दग्ध बीज यानी कि नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट हो जाएंगे तो फिर सर्व दुखानां हानि, फिर समस्त दुखों की हानि समझनी चाहिए। और अपेक्षाकृत ही यहां पर अंतःकरण पवित्रता की बात समझनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण अंतःकरण पवित्र तो भगवत प्राप्ति के बाद ही होगी, और भगवत प्राप्ति के बाद पूर्ण अंतःकरण यदि होगा तो फिर उसको पहले ही कह दिया प्रसादे सर्व दुखानां हानि। प्रसाद होने पर, चित्त की प्रसन्नता होने पर, निर्मलता होने पर समस्त दुखों की हानि हो जाती है। यानी कि चित्त अपेक्षाकृत निर्मल होगा तब उसका अंततः फल जो होगा वह तीनों प्रकार के दुखों से हानि। लेकिन यहाँ क्रम ऐसा बताया है कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि, चित्त की निर्मलता से समस्त दुखों की हानि होती है, और उस प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति को बुद्धि शीघ्र ही ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाती है, लग जाती है। तो यहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति बाद में दिखाई गई, चित्त की निर्मलता पहले दिखाई गई है। तो समझना चाहिए कि अपेक्षाकृत चित्त निर्मल हो जाता है, यानी कि क्लेश तनों वाली जो बात है योग शास्त्र में, कि क्लेश पहले की अपेक्षा कम हो जाते हैं, राग कम हो जाएगा, द्वेष कम हो जाएगा, काम क्रोध लोभ ये सब कम हो जाएंगे, तब व्यक्ति का चित्त प्रसन्न हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त से बुद्धि शीघ्र ही भगवान में लग जाती है, और उसका अंततः फल ये होगा कि तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति, फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह समझना चाहिए। अब कह रहे हैं भगवान आगे श्लोक संख्या 66 में, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। कह रहे हैं कि अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, जो अयुक्त है, अयुक्त का मतलब कि जिसका चित्त समाहित नहीं, समाहित का मतलब यहाँ पर जिसका चित्त भगवान में नहीं लगा हुआ है, यानी कि जिसके हृदय का, जिसका मन का, जिसके बुद्धि का विषय भगवान नहीं बने हैं, ऐसे व्यक्ति असमाहित चित्त वाले कहे जाते हैं। यानी कि समाहित का मतलब उनका चित्त अभी एकाग्र नहीं हुआ है, एक लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है उनके मस्तिष्क के द्वारा, उनके बुद्धि में नाना प्रकार के लौकिक विषय ही आ रहे हैं, उनकी बुद्धि का विषय लौकिक विषय ही बने हुए हैं, भगवान विषय नहीं बना हुआ। तो चूंकि लौकिक विषय बनने के कारण लौकिक विषय अनंत हैं, असंख्य हैं, तो उस असंख्य पदार्थों में बुद्धि लगने से फिर बुद्धि बेचैन हो जाती है, व्यग्र हो जाती है, चंचल हो जाती है। इसीलिए कहा कि असमाहित अयुक्तस्य मतलब असमाहित अंतःकरणस्य। तो उस असमाहित अंतःकरण वाले व्यक्ति जिसकी बुद्धि कहां लगी हुई है, विषयों में लगी हुई है, संसार में लगी हुई है, उस व्यक्ति की बुद्धि नास्ति। बुद्धि का मतलब यहां पर कौन सी बुद्धि है? आत्म विषयणी बुद्धि है, परमात्म विषयणी बुद्धि है, परमार्थ परमार्थ विषयणी बुद्धि है। कि ऐसे असमाहित अंतःकरण वाला व्यक्ति जो विषयों को ही सब कुछ सर्वस्व मानता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी आत्म विषय बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, वो कभी भगवान के विषय में सोच भी नहीं सकता, चिंतन भी नहीं कर सकता। उसको किसी सत्संग में बैठा दीजिए तो उसके लिए ऐसा लगेगा जैसे सांप काट रहा है, वो बैठ ही नहीं पाएगा,
क्यों? क्योंकि बुद्धि में बैठा रखा है संसार, तो सोच भी नहीं सकता भगवान के विषय में। इसलिए ऐसे असमाहित अंतःकरण वाले व्यक्ति की बुद्धि आत्म विषयक नहीं होती है, कभी भगवत चिंतन में नहीं लगेगी, मन नहीं लगेगा उसका। और ऐसे अयुक्तस्य भावना नास्ति, और ऐसे ही अयुक्त व्यक्ति को जो विषय को ही सर्वस्व समझ रहा है, जिसकी अंतःकरण की वृत्ति बहिर्मुखी हो रखी है, इंद्रियां बहिर्मुखी हो रखी हैं, ऐसे अयुक्त यानी कि बहिरअंतःकरण वाले जो बहिर्मुखी जीवों की भावना भी नहीं होती, भगवान के प्रति भाव भी नहीं जगता। बुद्धि तो सोचना होता है, और जब सोचेगा ही नहीं तो भाव कहां से आएगा, क्योंकि भाव भी धीरे धीरे जगता है, क्योंकि भगवान ने पहले ही बता दिए विषयों के संदर्भ में, तो बता ही दिए ध्यायतो विषयान् पुंसः, जैसे जैसे ध्यान करेंगे चिंतन करेंगे तो उसमें राग होगा। राग मतलब प्रीति ही, एक प्रकार से प्रीति दो प्रकार की होती है, एक संसार से प्रीति होगी, एक भगवान से प्रीति है। तो प्रीति तो होनी है, एक व्यक्ति प्रेम स्वरूप है, प्रीति लगाएगा ही, प्रीति लगाए बिना रह नहीं सकता। अब समस्या ये है कि संसार से प्रीति लगाएगा तो जन्म मरण के बंधन में जाएगा, और भगवान से प्रीति लगाएगा तो जन्म मरण से छूट जाएगा। तो अब हमारे हाथ में है कि हम प्रीति कहाँ करें, कहाँ फायदा है प्रीति करने में और कहाँ हमारी हानि है। तो जब वो चिंतन ही नहीं करेगा, क्योंकि बहिर्मुखी है जिसकी इंद्रियां, जिसके मन में संसार बस रखा है, ऐसे असमाहित अंतःकरण वाले व्यक्ति जब उसके मन में आत्म विषयक परमात्म विषयक या परमार्थ विषयक बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी तो भावना भी नहीं जगेगी, भाव भी नहीं आएगा उसे, अंतःकरण में कोई भाव नहीं आएगा। अध्यात्म को सुन करके कोई रोम हर्ष, कोई रोमांच, कोई अश्रुपात इत्यादि तो छोड़ ही दीजिए, ये होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि सब लक्षण जिसको अध्यात्म की बात सुन करके, भगवान की बात सुन करके रोमांच हो, रोम हर्ष हो, अश्रुपात हो, समझिए कि अध्यात्म का बीज है उसके अंदर, भगवान का बीज है। तो वो जो व्यक्ति उसके अंदर भावना ही नहीं जगेगी, और कह रहे हैं कि जब भावना ही नहीं जगेगी तो अभावतः शांति न, ऐसे जिसके हृदय में रस नहीं है, वो कहते हैं ना जिसके हृदय में रस नहीं है, वो एक कोई कविता की लाइन है कि भरा नहीं जो भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भगवान में जिसकी प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कह रहे हैं कि उसको शांति का शांति है, प्रेम में भाव में शांति है। इसलिए अभावतः शांति नास्ति, जिसके अंदर भाव ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, प्रीति नहीं है भगवान के प्रति, उसको कभी शांत वो शांत नहीं हो सकता, उसको शांति नहीं मिलेगी। संसार से प्रीति होगी तो अशांत है, अभी तक जो हमारी प्रीति हुई है संसार से हुई है, इसलिए तो अशांत है, जन्म मरण के चक्कर में लगे हुए 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। कब तक करेंगे? जब तक के हमारी बुद्धि भगवान में न लग जाए तब तक तो ये चलता ही रहेगा क्रम। तो वो भगवान के जो भगवत प्रीति है वो जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक से व्यक्ति शांत नहीं हो सकता, और जब शांति नहीं मिलेगी तो कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत व्यक्ति है उसको सुख कहां, जो परेशानी में ये चल ही रहा है, अभी एक जन्म, अभी एक मृत्यु हुई, फिर दूसरा शरीर तैयार है, फिर दूसरा गर्भ तैयार है, फिर उसमें चल गर्भ से ही दुख प्रारंभ हो जाता है, फिर बाहर आने पर भी दुख, मरते दम तक दुख, फिर मरता है, फिर कहीं गर्भ तैयार हो जाता है, फिर ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। इसे ही कहते हैं कि यदि प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकले, निवृत्ति ना निकले, शांति ना निकले, तो प्रवृत्ति की दुर्गति है। जैसे कोई गति कर रहा है व्यक्ति, तो गति का परिवसान शांति में हो, अगति में हो, यानी कि गति करते करते गति के गर्भ से गति ही निकलता रहे, चलता ही रहे, चलता रहे, अनंत तक वस्तु चलती ही जाए, तो ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे? दुर्गति कहेंगे। हम गति करते हैं तो गति करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, वहां जाकर ठहर जाए, गंतव्य तक पहुंच जाए, तो गंतव्य तक पहुंच करके गति समाप्त हो जाती है, यानी कि गति का अंत कहां होता है? शांति में, ठहराव में। और ऐसी गति हो जाए कि जही ठहराव ही ना मिले, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो ये गति को, इसी को दुर्गति कहते हैं। तो जहां गति है यदि कहीं प्राप्ति नहीं है, ठहराव नहीं है, तो फिर वो जो है दुर्गति है।
और हम गति कर रहे हैं, और फिर गति करके एक ठहराव को प्राप्त कर लिए, एक मुकाम को प्राप्त कर लिए, गंतव्य को प्राप्त कर लिए, तब वहां आराम हो जाता है। अब वो जो गति है सार्थक हो जाती है। जो हमने गति की, उस गति की सार्थकता क्या है? कहीं विश्राम में। तो गति का पर्यवसान विश्राम में होगा। और ऐसे ही ये भी हम गति कर रहे हैं, इस देह को छोड़कर दूसरे देह को प्राप्त कर, उसको छोड़कर दूसरे देह को प्राप्त कर रहे हैं, कहीं शांति नहीं मिल रही है, कहीं ठहराव नहीं है, तो ऐसी गति को क्या कहेंगे? दुर्गति ही है। इसलिए जब भगवान में प्रीति जुड़ जाती है, भगवान को हम अपना सर्वस्व समझ लेते हैं, तब जो है शांति हो जाती है। और ये शांति ही जो है सुख है। अशांतस्य कुतः सुखम्। जो गति ही कर रहा है, गति ही कर रहा है, व्यग्र है विषयों के उसमें ही, जन्म मरण के चक्कर में ही, उसको सुख कहाँ है? इसलिए अशांतस्य कुतः सुखम्। टैगलाइन ये आपको कहीं मिल जाएंगे, देखने को, लिखने को, बार प्रयोग किया जाता है इसको मुहावरे के रूप में। अशांतस्य कुतः सुखम्। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ? और वो शांति कहाँ है? शांति है भगवान में, भगवान की प्रीति में, भगवान की भक्ति में शांति है। इसलिए शांत रहने के लिए यहाँ पर फिर वही जो विषयों का चिंतन किया था, उसके जगह पर यदि भगवान का चिंतन शुरू हो जाए, तो यहाँ ध्याय तो विषयान पुंस था, अब उस ध्यान के जगह पर विषय का ध्यान चल रहा था, उसके जगह पर भगवान का ध्यान चलने लगे, तो जो विषय में प्रीति थी अब वो भगवान में प्रीति हो जाएगी। जो राग कहा था ना, ध्याय तो विषयान पुंस संगात तेषु उपजाए, तो उसमें संग राग प्रीति हो जाएगी विषयों में। तो विषयों में प्रीति का तो अंत में विनाश ही फल बताया, लेकिन उसी जगह पर जो चित्त अभी विषयों का चिंतन कर रहा था, वही चित्त अब भगवान का चिंतन करने लगा, तो भगवान में प्रीति हो जाएगी। और जब भगवान में प्रीति हो जाएगी तो शांत हो जाएगा, और जब शांत हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, क्योंकि सुख शांति में है। वास्तव में सुख जो है शांति ही सुख है। तो अशांतस्य कुतः सुखम्, अशांत को सुख कहाँ, ऐसा कहा भगवान। अब जो स्वेच्छाचारी होकर के इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ करके, इंद्रियों को मन के द्वारा और मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना पड़ता है, ये मन भी काबू में नहीं आता। मन को बुद्धि से नियंत्रित करना पड़ता है, और बुद्धि से नियंत्रित कर जब मन हो जाता है तो फिर इंद्रियां जो है काबू में आ जाती है। इंद्रियां ऐसे काबू में नहीं आएगी जब तक मन को काबू में नहीं किया जाए। और मन काबू में कैसा आएगा? बुद्धि परिष्कृत जिसकी है उसी का मन काबू में आ जाएगा। अब बुद्धि परिष्कृत कैसा है? बुद्धि ज्ञान से परिष्कृत होती है। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, मनुस्मृति का वाक्य है कि बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से। और ज्ञान क्या है? शास्त्र ज्ञान है, गुरु के प्रदत्त ज्ञान है, भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, ये सब ज्ञान है। ज्ञान ये सब ज्ञान है, भौतिक ज्ञान नहीं। ज्ञान का तात्पर्य यहां पर अध्यात्म ज्ञान से है। तो उस अध्यात्म ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, और उस बुद्धि में हम जितना ही ज्ञान भरेंगे, शास्त्र ज्ञान, वो बुद्धि हमारी परिष्कृत होती है। और शास्त्र ज्ञान जब भरते हैं तो बुद्धि जो है विवेकवान हो जाती है, यानी कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या हमारे लिए हानिकारक है या क्या लाभदायक है, ये विवेचन करने में बुद्धि समर्थ हो जाती है। जब हम शास्त्र ज्ञान नहीं प्राप्त करते तब हमारी बुद्धि उस प्रकार से अपना कल्याण नहीं देख पाती। एक कल्याण होता है केवल इसी जन्म का कल्याण देखना, जिसको आजकल बौद्धिक लोग कहते हैं कि भाई बहुत दूर तक सोच कर काम करते हैं, तो इसी जन्म का सोचते हैं, अगले जन्म का वो भी नहीं सोचते। तो अगले जन्म का भी अपना कल्याण सोचने के लिए बुद्धि को बहुत परिष्कार की आवश्यकता है। और बुद्धि परिष्कृत होगी जब उसको शास्त्र ज्ञान से भरा जाए। बार बार शास्त्र सुनना, बार बार पढ़ना, बार बार सत्संग करना, ऐसा करने से बुद्धि में वो ज्ञान भरेगा। और वो ज्ञान जो है फिर निर्णय लेने में कि ये क्या कर्तव्य, अभी जो मन में वृत्ति उठी, मन में कोई चिंतन आएगा, मन में संकल्प विकल्प आएंगे, तो अब वो संकल्प विकल्प हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, हमारे लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है, हमको भवसागर में डुबाने वाली है या भवसागर से पार करने वाली है, इसका निर्णय कौन करेगा? बुद्धि वही कर सकती है जो बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण है, जिसमें शास्त्र ज्ञान
भरा पड़ा है, वो बुद्धि अब निर्णय करने में समर्थ हो जाएगी। अब जब निर्णय करने में समर्थ हो जाएगी तो उसको लगता है कि नहीं, इससे अकल्याण है हमारा, इससे कल्याण है, तो इस कल्याणकारी को चयन करना और अकल्याणकारी विचारों को हटा देना। इसलिए मन में आया अकल्याणकारी विचारी विचार आया तो उसको बुद्धि नियंत्रित कर देती, उसके बहकावे में नहीं आती, मन फिर नियंत्रित कर दी जाती है बुद्धि के द्वारा। तो इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करके और फिर इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है, इंद्रियां सीधे सीधे नियंत्रण में नहीं आएगी। इसलिए ज्ञान की महत्ता बहुत है, और वो भी ज्ञान किस कोटि का होना चाहिए, प्रबल कोटि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये वासनाएं इतनी प्रबल है कि सामान्य ज्ञान से तो काबू में नहीं आती। बारंबार जब हम वही चिंतन किए, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, हमें यहाँ जाना है, ये करना है, भगवान को प्राप्त करनी है, किसी भी दशा में भगवान को छोड़ना नहीं है, यही हमारे लिए सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त और कहीं हमारा आधार ही नहीं है, बाकी सब दुख के ही साधन है, भगवान ही एकमात्र सुख के साधन है, यही हमारे जो है प्राणाधार है परमेश्वर। ये बार बार जब चिंतन चलता है तो इसके जितने भी बाधक तत्व हैं कि जो ईश्वर प्राप्ति में बाधा है उसे हम डरते हैं कि नहीं 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 भगवान को दूर ले जाने के ये सब साधन है, ये विचार जो हमारे मन में उठ रहे हैं ये हमको भगवान से दूर ले जाएगा, और भगवान से दूर हो कि हम चकनाचूर हुए, ये भाव उसमें जगेगा। बार बार ऐसा चिंतन होगा, तो जब चिंतन होगा इस कोटि का तब ये वासनाएं दबती है, सामान्य ज्ञान से नहीं। समान ज्ञान का मतलब यहां पर केवल पढ़ लिया और पढ़ करके मस्तिष्क के कोने में रख लिया, ऐसा नहीं है, बार बार इसको चिंतन करना। आवृत्ति रसकृत उपदेशार्थ, ये सूत्र जो है सांख्य शास्त्र में भी आया है और ब्रह्म सूत्र में भी आया है, आवृत्ति रसकृत उपदेशार्थ, बार बार आवृत्ति करें, बार बार आवृत्ति करें। नहीं तो एक कहानी आती है कि तद विस्मरण भेकीवत, कि जिस क्षण विस्मृति हो गई उस समय मामला हाथ से निकल जाता है। जैसे आप बच्चा जो है पूरा सेमेस्टर पढ़ा है, खूब बढ़िया से पढ़ा है, और परीक्षा के समय विस्मृति होगी सारी पढ़ाई उसकी, अब वो किसी काम का नहीं रह गया उसका पढ़ा, लोग तो यही कहेंगे अरे हमारे कुछ पढ़ा ही नहीं, खाली झुटमुट का ये दिखावा कर रहा था, रात्रा भर पढ़ने का कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ा होता तो पास हो जाता। अब यहां पर क्या हुआ, उस समय स्मृति नहीं आई, जिस समय परीक्षा की घड़ी थी उस समय स्मृति आ जाए तो कोई काम हो जाए, लेकिन उस समय स्मृति आई नहीं। वो एक क्षण जो होता है, जितना भी काल है वो 3 घंटे का या जितने भी समय का काल है वो परीक्षा का, उतने समय स्मृति आने के लिए बाकी 6 महीने के लिए रिवाइज करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, उस समय याद आ जाए, नहीं आया तो फिर किसी काम की नहीं पढ़ाई।